वाह क्या सीन आ रहा है, सुपर्ब। तो हेलो नमस्ते सलाम, आज हम इशू सदराकर एंड यू आर वाचिंग राइड एंड राइड यूट्यूब चैनल। आज अपन जा रहे हैं राजीव गांधी जलाशय, जो है यहाँ से 90 किलोमीटर दूर, और आप यहाँ से आपको लोरमी वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा। लोरमी से आपको 20 किलोमीटर दूर ही आपको वो राजीव गांधी जलाशय मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ का क्या सीन है। तो जी आधा रास्ता पार हो चुका है और अभी भी आधा बचा हुआ है। रोड बहुत अच्छा है, लोरमी तक तो आपको रोड अच्छा मिलेगा। यहाँ लोरमी से आपको जब राइड कटोगे तो आपको 20 किलोमीटर वाला जो क्या बोलेंगे ऑफ रोड जो पैच है वही ख़राब है, बाकी सब तो इधर अच्छा ही है। तो चलिए चलते हैं। अभी अपन पहुंच गए लोरमी। थोड़ा सा आगे में आपको यहाँ से पुल मिलेगा। पुल में राइट हैंड साइड में एक सड़क गई है, वो सड़क आपको सीधा डैम तरफ लेके जाएगी। वही 20 किलोमीटर का ऑफ रोड पैच है जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रहा था। तो ये आप अगर पार कर लोगे तो आप सीधा डैम पहुँच जाओगे। चलो लद्दाख टाइप का पास आ गया ये तो है। ये भी पुष्पराज है। लीजिए अपन पहुंच गए वन विभाग के अंदर और यहाँ आपको अपनी एंट्री करानी पड़ेगी, कितने लोगों क्या हो। तो इसके आगे में एक मंदिर है, वहाँ पहले रुकेंगे, उसके बाद ही अपन डैम के लिए आगे निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं। जी अपन पहुंच गए मंदिर। ये मंदिर का नाम क्या है? श्री कल्याणी मंदिर। आपको रास्ते में जाते जाते मिलेगी, इसका आपको कहीं भी टर्न और नहीं लेना है, वही स्ट्रेट रास्ते में ही है। तो पूरा ऊपर चट्टान वगैरह बिखरा हुआ है, देखते हैं ऊपर क्या है और चलो। आखिरकार मैं ऊपर चढ़ गया। बहुत सारा सीढ़ी चढ़ना पड़ा, गिना नहीं है कितना सीढ़ी था, लेकिन बहुत छोटे छोटे सीढ़ी थे और आखिरी में तो एकदम सकरा सा मतलब सीढ़ी बना हुआ था दो चट्टान के बीच में। पतला दुबला हूँ तो निकल गया, मोटे लोग तो पता नहीं निकल पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ का आप सीन देख लो, उसके बाद सीधा आपको मैं डैम में मिलता हूँ। अपन निकल गया डैम की ओर। आपको लेफ्ट साइड में डैम मिल जाएगा। यह है डैम का रास्ता और सीधा सीधा जंगल का रास्ता है। तो चलो मैं आपको सीधा सीधा डैम के पास ही पहुंचता हूं और वहां दिखाता हूं। डैम किधर जाएंगे? अगर आप पिकनिक स्पॉट ढूंढ रहे हो तो ये जो राइट वाला रास्ता है, वहाँ से सीधा सीधा जाना, आपको गेस्ट हाउस मिलेगा, वहाँ आप पिकनिक बढ़िया बना सकते हैं। तो ये है राजीव गांधी डैम का कुछ नज़ारा, कुटाघाट टाइप का ही है, बस थोड़ा सा बड़ा है ये। तो ये देखिए बस। लो जी अपन पहुंच गए अंदर, कूद फान के पहुंचो, नहीं पहुंचना चाहिए लेकिन पहुंच गया, क्या करोगे। ये जो आपको बड़ी बड़ी बॉक्स दिख रही है, यहाँ से ही दरवाज़ा खोला जाता है। एक मतलब एक लीवर होता है जिससे खुलता है दरवाज़ा, और नीचे में दरवाज़ा है, वो देखो आपको दरवाज़ा दिख रहा होगा तो अगल बगल। तो यही है, यह है जी डैम का दूसरा साइड। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे मोदी जी का वो स्वच्छ भारत वाला अभियान यहाँ तक पहुँचा है, इसलिए यहाँ पे इतना कचरा है। यहाँ कचरा मत फैलाओ यार, यहाँ पर देखभाल करने के लिए है भी नहीं, इतना खास है भी नहीं। तो आप देख लीजिए यही है। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बाय बाय।